ओके ओके ओके, अभी बारिश आ गया है। ट्रैफिक झेलते झेलते हालत ख़राब हो गया। अभी कब जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। मतलब इतना देर पे सिर्फ 9 किलोमीटर आया हूँ मैंने घर से। तो ये मेरा घर से 9 किलोमीटर दूरी पे है और इधर हीरो का एक शोरूम है, हीरो का एक सर्विस सेंटर है। ये कुछ देर पहले पड़ेगा बेनेली और उसके आगे पड़ेगा होंडा का सर्विस सेंटर। शोरूम भी है, सर्विस सेंटर भी है। बेनेली का सर्विस सेंटर पता नहीं, बेनेली का शोरूम है वो। इधर होता क्या है, ये रास्ता बहुत नैरो है। ओ बाय द वे, इधर एक KTM का भी शोरूम पड़ेगा। ये रहा KTM का शोरूम, ये जो है ये KTM का है। ये है बेनेली का, राइट साइड को पड़ेगा होंडा का, दिखाते हैं आपको। ये हुआ होंडा का, ये जो है। तो अभी वीडियो को शुरुआत करना है। मैंने शुरुआत इंट्रो जो था मेरा, मैं भूल गया। नहीं 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 नहीं, याद है, लेकिन ये ट्रैफिक खत्म होने के बाद शुरू करते हैं वीडियो। तो हेलो, नमस्ते, आदाब एंड नमस्कार, दिस इज मोयुक फ्रॉम कोलकाता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ कोलाघाट, और वो भी लस्सी पीने के लिए, क्योंकि आज मेरा थोड़ा काम कम था। एज यू नो कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरा रोज़ काम नहीं रहता है। हाँ, मेरा रोज़ काम नहीं रहता है, और मैं उसके साथ साथ ये भी कर रहा हूँ यूट्यूब, जो कि मैं बहुत ही नया हूँ। सिर्फ 3-4 वीडियो ही दिया हूँ मैंने, अपलोड किया हूँ मैंने यूट्यूब पे। तो और मैं एक बंगाली पर्सन हूँ, मतलब एक जिसको बोलते हैं हम बंगाली है। तो मेरा जो हिंदी है वो थोड़ा टूटा फूटा है, उसके लिए पहले ही माफ़ी चाह रहा हूँ मैंने। और एक चीज़ जिसके लिए मुझे माफ़ी चाहना पड़ेगा वो है, मैंने पहले व्लॉग में कह दिया था कि 15 अगस्त रिपब्लिक डे है, जो कि एक मतलब बहुत ही बुरा बात है। मैं जानता था कि वो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन जल्दबाजी में शायद बोल दिया मैंने। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से कोलाघाट, मतलब मेरा घर से कोलाघाट था 55 किलोमीटर, 55 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और मैंने अभी तक कवर किया 12 किलोमीटर ओनली। तो लग जो रहा है मुझे वो है कि डे लाइट के अंदर हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे उधर, लेकिन जो भी है जैसा भी है अब देखते रहिए। ये जो है ये है धुलोगढ़ टोल प्लाज़ा, ठीक है, और हमको जाना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आगे। मैक्सिमम टोल के तरह, टोल प्लाज़ा की तरह इसमें भी टू व्हीलर का कोई टोल नहीं लगता है, सिर्फ फोर व्हीलर का ही लगता है टोल। तो ये छोड़ते हुए हम लोग जाएंगे आगे कोलाघाट के तरफ, जो कि अभी भी शायद 40 या ऐसे ही कुछ होगा। हम लोग 45 किलोमीटर कर लिए और टाइम बाकी आधा घंटा लग जाएगा कोलाघाट पहुंचने में। तो क्या है कि मेरा मतलब बाइक से थोड़ा ब्रेक का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने रेगुलर सर्विस किया है वो एक प्रॉब्लम है। और जो बात है कि बारिश आ रहा है, लग तो ऐसे लग रहा है कि बारिश आएगा, तो बारिश अगर आ जाए ख़राब हालत हो जाएगा, पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। इधर रुकने के जगह जो मिलेगा उस टाइम पर हम पूरा रुक जाएंगे, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, दिक्कत हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक का चीज़ है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चीज़ है ना वो बारिश में अगर भीग जाए तो ख़राब हो सकता है, तो यही एक प्रॉब्लम। बाकी तो सही है, और मेरा जो ब्रेक है पीछे का ब्रेक है उसका थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि वो मतलब काम तो कर रहा है लेकिन कुछ मतलब साउंड आ रहा है, अजीब सा साउंड आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम। ओके, अभी बारिश आ गया है, अभी भीगने का टाइम आ गया है, तो क्या बताएं अभी। शिट, मेरा जो रेन कवर है वो भी ठीक है, ये देखो अभी सब गीला होगा, गीला मतलब सब कुछ गीला हो जाएगा, लेकिन अपन नहीं रुकेंगे, अपन को जाना है कोलाघाट, अपन कोलाघाट जाके ही रुकेंगे।
ठीक है ना। तो हम थोड़ा हैजार्ड इंडिकेटर ऑन कर देते हैं क्योंकि मैं स्पीड पे हूँ और बारिश भी हो रहा है, तो देव उल्टी शायद सामने ही है। तो बेसिकली ये है कोलाघाट ब्रिज जहाँ पर मैं रुका हूँ, तो इसके आगे जो ये रुकनारायण रिवर है, ये है रुकनारायण रिवर। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट शायद लगा, और उसके अंदर बारिश भी आ गया है, थोड़ा बारिश हुआ लेकिन हुआ है बारिश। तो मेरा सामने वाला जो पोर्शन है पूरा भीग चुका है लेकिन पीछे वाला सही है। मेरा बैग भी चुका है, बैग पूरा चुका है लेकिन हेलमेट अगर आप देखो तो हेलमेट के इधर थोड़ा मतलब ये जो दिख रहा है अभी यहाँ ये जो दिख रहा है ना ये पूरा भीगा हुआ है। तो मेरा नाम से ये है अभी मयूख मुखर्जी। तो अगर आप लोग का कुछ मतलब नाम अगर आप लोग सजेस्ट किए हो तो वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे एक अच्छा खासा एक अच्छा नाम चाहिए जो कि सुनने भी अच्छा हो और मतलब कुछ यूनिक हो। तो आप थोड़ा बताना कि क्या नाम दे सकते हो, मतलब दे सकता हूँ मैं। और एक बात जो कि है कि मेरा जो ब्लॉग हो रहा है तो आप लोग नहीं बता रहे हो कि कैसा हो रहा है ये ब्लॉग, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो बताना, क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर कर रहा हूँ ब्लॉग तो कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप लोग अगर देख रहे हो तो थोड़ा मतलब एक कमेंट करने में तो 5 सेकंड ही जाता है। तो एक बार बता देना कि कैसा हो रहा है ये ब्लॉग। और अच्छा अच्छा कुछ जगह है जो कोलकाता के अंदर है और कोलकाता से बाहर भी है, तो वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। खाना, हाँ कोलकाता का खाना जो कि बहुत अच्छा चीज़ है, तो वो कैसा हो रहा है मतलब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं तो वो भी थोड़ा बता देना मुझे। तो ये है शेरी पंजाब और मैं आ गया हूँ शेरी पंजाब पे लस्सी खाने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये यहाँ से घूम के आना पड़ता है, ये तो शेरी पंजाब में उस रास्ते से आया और घूम के पूरा उधर आया। ये जो रास्ता है ये सीधा आपका कोलकाता की तरफ जाता है और जाते हैं और लस्सी पीने के बाद आपको बताते हैं कैसे। ₹50 तक नहीं है। तो एक चीज़ जो है ना कि ये जो है शेरी पंजाब का लस्सी वो हाइप। मेरा बाइक इधर था और इधर एक होंडा सीवी 300 देखा मैंने, जो कि मुझे बहुत पसंद का गाड़ी है, मतलब एक क्लास गाड़ी है। अब इसका लुक्स देखो कितना निम्बल है ये गाड़ी। ये सामने वाला है जो सोया है और ये वाला जो है ये भी सोया है। तो कल है इंडिपेंडेंस डे,
और मेरा कल भी एक शूट है, तो मेरा मन था ये शूट कल करने के लिए और कल ही अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ा मतलब देर हो जाएगा और रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कल अगर हम शूट करें तो एडिट करने के लिए लगभग मुझे 2 से 3 घंटे तो चाहिए। ये एक बात है कि अगर कल शूट करें और कल ही एडिट करें तो कल वीडियो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं आज कुछ मतलब शूट कर दिया। और पहले से मैं आपको बोलता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, व्हाट एवर यू वांट अगर सेफली कीजिएगा। और एक बात जो है कि आई सेफ और माई हेलमेट। खींचना नहीं चाहता हूँ, इधर ही ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कब एक्शन कैमरा का बैटरी ख़त्म हो जाए मुझे भी पता नहीं। तो ये मेरा लास्ट बैटरी है, मतलब एक दाग दिखा रहा है बैटरी पे। तो इतना तक अगर देख लिए हो तो एक लाइक कर देना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर देना ही, क्योंकि कोशिश तो कर रहा हूँ कुछ अच्छे करने के लिए, पता नहीं हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो आप लोग ही बता पाओगे। आप लोग अगर कमेंट में बताओगे कि कैसा हो रहा है तो मैं वैसे आपको वैसे ही मुझको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और खुशी से रहना, शांति से रहना, सही सलामत रहना। गुड बाय, चाओस।